Go. Let's repeat this. हाय गाइस, तो मैं अभी रूम में ही जा रही थी बिकॉज आज मुझे जल्दी सोना है ताकि मैं कल जल्दी उठ सकूं और मुझे कल बाहर जाना है और कल मुझे हेयर वॉश करना है, सो आज मैं ऑयलिंग करूंगी. और मैं अभी ऑयलिंग करने जा रही थी तो मेरे सारे जो कजिन्स हैं वो यहाँ पे आए हैं और कल फिर हम कहीं और बाहर जाने वाले हैं, तो वो लोग मुझे आज बोल रहे थे कि चलो आज ऊनो कार्ड्स का प्लान बनाते हैं, वील प्ले ऊनो कार्ड. जाहिर सी बात है, इतने टाइम बाद मिले तो बहुत सारी मस्ती भी होगी. और ऊनो कार्ड्स खेलने से पहले मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ बिकॉज मुझे बाद में टाइम नहीं मिलेगा. सो आई एम यूजिंग दिस अनियन हेयर ऑयल फ्रॉम मामा अर्थ. आप कॉमेंट में बताना कि किस किस को ऑयलिंग करना पसंद नहीं है बिकॉज मुझे तो बहुत बोर होता है ऑयलिंग करने में. शैम्पू करना इज ओके बट ऑयलिंग नो वे, मुझे बहुत बोर होता है. लेकिन जब से मैंने जाना है कि ऑयलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है तब से मैं ऑयलिंग करती हूँ. तो मैं जब गुलमर्ग से रिटर्न आ रही थी तो मेरे व्लॉग में काफ़ी लोगों ने नोटिस की है एक चीज़ कि मेरे बाल पहले से भी ज़्यादा हेल्दी हो गए. मेरे पहले बाल बहुत फ्रीजी थे, बहुत झाड़ू जैसे हो गए थे, बट व्हेन आई स्टार्टेड ऑयलिंग इट बिकम ऑल स्मूथ. अगर आप भी अपने बालों का ध्यान रखोगे तो आपके बाल भी स्मूथ, शाइनी एंड हेल्दी हो जाएंगे. मैं अपने बालों का अच्छे से ध्यान रखती हूँ. फॉर दैट आई यूज़ मामा अर्थ के हेयर प्रोडक्ट और मुझे मामा अर्थ की पैकिंग बहुत ही क्यूट और स्वीट लगती है बिकॉज दे हैव द कार्टून इमोजीज ऑन दिस एंड आई फाइंड इट सो क्यूट. द पैकिंग इज सो सिंपल एंड स्वीट. अगर किसी को गिफ्ट करोगे तो भी अच्छा लगेगा. तो मैंने मामा अर्थ से सारे अनियन प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए. एज यू ऑल नो, अनियन इज मिराकुलस किचन इंग्रेडिएंट. आपने अक्सर देखा होगा हमारी नानी या दादी हमेशा अनियन का रस जो है बालों में लगाती थी बिकॉज इट्स रिच इन सल्फर एंड इट हेल्प्स टू इंक्रीज योर हेयर ग्रोथ. सो दिस इज अनियन हेयर ऑयल फ्रॉम मामा अर्थ किट जो मैंने अभी बालों में लगाया एंड आई फील सो फ्रेश एंड रिलैक्स आफ्टर द चम्पी. सो फ्रेंड्स, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है और इसमें विटामिन ई भी है विच स्ट्रेंथ योर हेयर एंड दिस हेयर ऑयल इज वेरी यूजफुल फॉर ट्रीटिंग हेयर लॉस एंड हेयर डैमेज. सो द सेकेंड प्रोडक्ट इज ऑनियन स्कैल्प सीरम फ्रॉम मामा अर्थ. इसमें काफी एसेंशियल ऑयल है. अगर आपके बाल रुके रुके रहते तो इससे आपके बाल शाइनी, स्मूथ एंड स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगे. इट स्ट्रेंथन योर हेयर रूट एंड रिड्यूसेस हेयर फॉल. यहाँ पे अनियन शैम्पू भी है फ्रॉम मामा अर्थ. अभी पूरा दिन आपके बालों में डस्ट चला जाता है, डस्ट बैठ जाता है, तो इस शैम्पू में कुछ ऐसे प्रोटीन्स है जो आपके स्कैल्प में जाके पूरे जड़ों से डस्ट निकाल देता है. इस शैम्पू में अनियन ऑयल भी है विच इज रिच इन सल्फर एंड इट हेल्प टू इंक्रीज हेयर ग्रोथ. आई एम ऑल्सो यूजिंग दिस अनियन कंडीशनर फ्रॉम मामा अर्थ. शैम्पू करने के बाद कंडीशनर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज शैम्पू आपके स्कैल्प को पूरा क्लीन कर देता है एंड कंडीशनर आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है. ये कंडीशनर आपके बालों को शाइनी, स्मूथ एंड सिल्की भी बना देता है. इसकी फ्रेग्रेंस तो मेरी फेवरेट है. आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड लेट मी शो यू बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट. And a huge difference. This is all because of Mama Earth products. They are all natural and chemical free. सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा 20% ऑफ ऑन मामा अर्थ प्रोडक्ट. यूज माई कूपन कोड दैट इज डॉल 2021. कूपन कोड इज ओनली वैलिड ऑन मामा अर्थ. ऑल दिस मामा अर्थ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन मामा अर्थ, अमेजोन एंड ऑन नायका एज वेल. एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम मामा अर्थ दे लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लान. दे ऑल्सो रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज विच इज अ वेरी गुड थिंग. मामा अर्थ ओवर 120 मेट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक हर मंथ रिसाइकल करता है. 1 मेट्रिक टन मतलब 1000 केजी. सो हाई अप, गेट योर फेवरेट प्रोडक्ट्स एंड लिंक इज इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और ये यहाँ पे टाइम पास करते हुए बिहाइंड द सीन्स. हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. सो जो आप पीछे देख रहे हो ये सारे मेरे कजिन्स हैं. ये कभी वीडियो में आए नहीं है ना, आपने कभी इनको देखा है. तो
या दे आर माई कजिन्स और हम लोग एक गेम खेलने वाले हैं ऊनो. सबको ऊनो तो पता है लेकिन हम लोग हमेशा ऊनो खेलते हैं. लेकिन जब भी हम लोग ऊनो खेलते हैं जो भी लास्ट में हारता है उसको करना होता है एक डेयर. ये हम लोग बहुत बार खेल चुके हैं एंड आज भी हम खेलेंगे तो देखते कौन हारने वाला है. ये हारने वाली है हमेशा. ये हारती है नहीं और आज भी ये नहीं मैं जीतने वाली हूँ. सो वील प्ले थ्री क्या बोलते हैं थ्री राउंड और उसमें जो हारेगा उसको एक टास्क करना होगा. और हाँ टास्क आई मीन डेयर. तो सब लोग आ जाओ मैं सबका नाम इंट्रोड्यूस करती हूँ. ये है सौम्या शी इज माई सिस्टर यू नो ऑल. गेट लॉस्ट. ये है राज. इसका नाम है राज. ये मुझसे बड़ा है सो आई कॉल हिम राज दादा. ये है गुड्डी. और योर नेम इज सुक्रांति. हेलो. ये है सुजल. सूजी. सूजी. ये है शुभम. लेकिन हम इसको बोलते हैं ये शुभम. लेकिन हम इसको बोलते हैं चिकू. सो द नेम्स आर क्लियर एंड विल स्टार्ट प्लेइंग नाउ. तो मेरे बाजू में है गुड्डी जो चीटिंग नहीं करेगी ये इसलिए मैं इसके बाजू में बैठी हूँ. और ये तरफ है चिकू. ये बहुत चीटर है तो मुझे बहुत दिमाग लगा के खेलना पड़ेगा क्योंकि कहाँ से ये पत्ते छुपा देगा या फिर एक्स्ट्रा डाल देगा किसी को पता नहीं चलेगा. फिर गुड्डी के बाद है राज और ये भी बहुत चीटर है. इसके बाजू में तो कभी नहीं बैठना कभी गलती से भी नहीं. पार्टनर है दोनों मिलके चीटिंग करेंगे. और सौम्या हमेशा हारती है. सौम्या हमेशा हारती है. ये चीटर है और ये चीटर है. इन पे कभी भरोसा नहीं करना. ये तो अपनी प्यारी है यार ये चीटिंग नहीं करेगी. टीम वर्क करेगी. ये किसका है ये किसका है ये सारे किसके ये मेरा. अच्छा रैंडमली उठाना है. ओके फाइन उठाओ सब लोग. मेरे लिए भगवान का नाम बोल के हमें हमारे पत्ते मिल गए. एंड आई शो यू माय कार्ड्स. ये सारे कमीने हैं तो मुझे मेरे कार्ड्स इन्हें नहीं दिखाना है बट मैं आपको दिखा देती हूँ. देखो चलो डालो जल्दी. वन तेरे मेरी डन है. ओके चीटिंग कर दी अभी. एट यार रुको यार. और ये है काले में. कलर चेंज कर दूंगी. माय एंट्री. ये सेवन नहीं ऊपर एट. नहीं नहीं सेवन सही है. माय एंट्री दैट्स व्हाई. स्किप. अब ये मेरा चार्ज. मैं मेरे पास दूसरे पत्ते Excellent work. Four sides se dikha. Time for the change. चार पत्ते उठा. ओ माय गॉड. ओ नो. 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 कितने उठा. वन टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन. हारने वाली है. कोई चांस नहीं है. अभी कोई चांस नहीं है. कौन टास्क करने वाला है. तू हारने वाली है. कौन टास्क करने वाला है ये क्लियर हो गया. कांग्रेचुलेशन and celebration. Now chicken dinner. छूट गया.
ओ यार यही आने वाली है, दिख रहा है सब कुछ। ऑटो नहीं है ये बोल रही थी मेरा शूट कर बिकॉज ये कुछ तो तोड़ पत्ता डालने वाली है। शूट करना ही चाहिए ना। आउट बच गई बज गई मतलब उनो किधर बोली ओ ओ झुप 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 अबे लेकिन नहीं बोला मेरे हाथ में एक ही पत्ता था एंड अभी ये खत्म होने वाला है। इट्स योर टर्न उनो उनो ब्लू ब्लू हाथ में पकड़ने के लिए जगह दे यही हारने वाली है कुछ भी कर। ओके ट्रफल ये जो था ये हारने वाली थी नहीं अरे ये तो रेनबो रेनबो पाल के रखा था वीडियो के पहले बता दिया था कौन हारने वाला है मैंने तो बोला ही था यही हारने वाली है। यही होता है जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना वही हार जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस चार ड्रॉप करने मेरी जिंदगी बदल गई। इसने तो रेनबो पाल के रखा है रेनबो पाल के रखा है इसने। ओके लेट्स डिसाइड द डेयर नाउ। डेयर डिसाइड ही किया था कमोड पे बैठना है तुझे। यस ये मैंने नहीं किया है ये सबने डिसाइड किया है पहले ही किया था। यार ऑन अ सीरियस नोट हम मतलब तेरी वीडियो और तेरी मतलब ये होने वाला है। ये गेम हमने पहले भी खेला था जब हम गोवा गए थे और तब मैं ही हारी थी मुझे ही ये डर आया था कि कमोड पे इंडियन फ्लैग में बैठना है। यू आर अ वीक प्लेयर टू बी ऑनेस्ट यू आर अ वीक प्लेयर दैट्स व्हाई यस हेंस प्रूव। 4 साल पहले मैं ही हार गई थी और मुझे ही बैठना पड़ा। 4 साल पहले भी हम सब खेल रहे थे। हिस्ट्री रिपीट्स यस ओह नो चलो ज्यादा देर नहीं करना है गेट अप मेरे को तो ऐसे धक धक हो रही है। चलो लेट्स गो बल्ले 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 शावा शावा पियो पियो ते कावा कावा बल्ले बल्ले चलो अरे लॉक है ये किसको तो बोलो खोलने के लिए कोई खोलो लुट गए कोई खोलो यार चलो देख रेडी है गो टाइम वेस्ट नहीं करना चाह खोल पहले खोल एकदम एकदम वो आधा 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 से एकदम ओके ये सब दोनों एंटरटेनमेंट के लिए गो ये उसको हाथ देने तो गिर जाएगी उसको हाथ दे चलो लेट्स गो लेट्स प्ले होली होली लेट्स रिपीट द हिस्ट्री बनाएंगे मेकअप किया था लिपस्टिक लगाया था हम
लास्ट टाइम जब ये हारा था. हेलो और मुझे तो लगता है इस ट्रिक भी होनी चाहिए. टाइम फॉर सेकंड राउंड. यस लेट्स गो. यार मैं भी आनी चाहिए यार लव में. सिग्नेचर स्टेप फ्रॉम हियर. व्हाट इज दिस. लेट्स गो. अभी हम खेलने से पहले डेयर डिसाइड करते हैं. जो पहले वाले था मतलब जो फर्स्ट राउंड पे हम लोग ने डेयर डिसाइड नहीं किया था. मेरे पे आने के बाद इन लोग ने सोचा कि इसको टॉयलेट सीट पे बिठा देते. दैट्स वेरी रॉन्ग. तो सबके रजामंदी से आई मीन सबके हाँ तो हम सब एक डिसीजन लेंगे और उसमें डेयर डिसाइड करेंगे. पहले वाले राउंड में हम लोग ने डेयर पहले डिसाइड नहीं किया था और इसलिए जब मैं हारी तो इन लोग ने मेरा ही डेयर मेरे पर दे दिया. बिकॉज इन लोग के कान में मैंने जाके बोला था कि कमोड वाला देते. बिकॉज लास्ट जो पहली बार हमने खेला था उस पर वो टाइम मेरे ऊपर आया था. लेकिन ये गेम मेरे ऊपर ही भारी पड़ गई. सो विल डिसाइड आर डेयर फर्स्ट एंड देन आई मीन विल डिसाइड आर टास्क फर्स्ट एंड देन विल प्ले. मैं तो हारने नहीं वाली. इतना कॉन्फिडेंस तो वक्त ही बताएगा. इसने सीरियसली लिया था. मैं हार सकती हूं. तो क्या करना है डेयर डिसाइड करो जल्दी. क्या करूं मैं मर जाऊं. मेरे को फीलिंग नहीं है. सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया है. एंड ये पक्का टोटू डालेगा. नो ओ नो स्किप. Oh no. It's your turn. Are you one? And मैं ज़्यादा shoot नहीं कर पाई और हम सब छूट गए. And even me this time. और गेम में है गुड्डू एंड सुजल. तो देखते हैं कौन हारेगा. एंड द डेयर इज जो भी हारेगा नेबर की बेल बजानी है और भाग के चले आना है. ये डेयर है. सो यू हैव टू डू. हेल्प मी. तो किसकी टर्न है. चलो डालो. मैं भी जा रहा है. सो गाइस हम फाइनली जा रहे हैं हमारे सेकंड टास्क की तरफ. आई रिमेंबर बहुत दूर है और ये हार गया है. सो इसे हमने टास्क हम सब ने मिलके ऐसे डिसाइड किया कि इसे डोर लॉक करना है या फिर बेल बजा के भाग के चले आना है. So let's ये बचपन से करता है ये. हम लोग के लिए कुछ भी यही नहीं. हम सब करते थे बचपन में. ये ज्यादा सब करते थे और हम सब ने मार और हम सब फेस करते थे हमेशा. एक्सपीरियंस देखो दे रहा है मेरा. सो लेट्स गो नहीं उसको जाना है. हाँ इसे जा ब्लर यू हैव टू टैप. इसे जाना है लेकिन हम भी आएंगे इसके पीछे पीछे. अब देखो मेरा स्ट्राइक. लेट्स सी. रुक जा. तो हमें कुछ काम आ गया है. सो वी हैव टू एंड अ गेम हियर. और हमने खेले हैं 2 राउंड्स जिसमें मैं हारी थी और सुजल हारा था. मेरी हिस्ट्री तो रिपीट हो गई. लेकिन जब मैं हार गई तब इन लोग ने डिसाइड किया कि क्यों ना वही पहले चीज रिपीट कर दे. एंड दे आर सो रूड कि मुझे उन्होंने यही दे दिया. वी आर सो लविंग.
कौन ऐसी बैंड बजाता है? ये तो बिल्कुल ही लविंग नहीं है. बाय बाय. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन. एंड आपको जो पार्ट इस वीडियो का सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो आप कमोड वाला ही है, वो आप कमेंट में बताओ और आपका रिएक्शन बताओ ये वीडियो के ऊपर. आई एम रीडिंग ऑल द कमेंट्स दिस टाइम एंड या बाय बाय. क्या बोला? जो पार्ट अच्छा लगा स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी में डाल दो. इसका आना चाहिए, इसका आना चाहिए, मैंडेटरी.